आईफोन ऐसे सेकेंड जनरेशन 2020 अभी लॉन्च हुआ है 15 अप्रैल को 2020 में, लेकिन ऐसा लगता है कि हम टाइम में थोड़ा पीछे चले गए हैं, बिकॉज जब आप फोन को देखते हो यू फील लाइक कि फोन जो है आईफोन 8 जैसा है जो कि कुछ साल पहले लॉन्च हुआ था। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर ले लुक एंड फील की, तो आईफोन 8 जैसा है, मतलब आगे पीछे ग्लास पैनल है, पूरे जो इसके बंपर है वो एल्युमिनियम बॉडी की है, 4.7 इंच का स्क्रीन मिल जाता है, और यहाँ पे जो लुक एंड फील है बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा कि आईफोन 7 आईफोन 8 आपने जब चलाया होगा बिल्कुल वही फोन दोबारा से रिपीट होके आपके हाथों में आ गया है। एप्पल का जो रेटिनल डिस्प्ले होता है काफी कोजी होता है, काफी कंफर्ट लेवल पे होता है, तो यहाँ पे बोले इस फोन के अंदर इस प्राइस सेगमेंट के अंदर तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अगर बात करें इस फोन के अंदर चिप की, तो A13 का बायोनिक चिप मिलता है आपको जो कि आपको आईफोन 11 में मिलता था। मतलब की बात करें अगर यहाँ पे परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस में आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं मिलने वाला है। प्रोटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपको IP67 का प्रोटेक्शन मिल जाता है, यहाँ पे जो लेटेस्ट फोन है वहाँ पे आपको IP68 का प्रोटेक्शन मिलता है, लेकिन यहाँ पे IP67 मतलब कि आपको काफी हद तक ये डस्ट वाटर इन सब से बचा पाएगा, लेकिन हाँ आप इसको IP68 के जितना यूज नहीं कर सकते हो पानी में जाके। उसके बाद जो फोन का मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है वो होता है उसका कैमरा। अगर कैमरे की बात करो आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 12 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मिल जाता है, जिसकी जो परफॉर्मेंस है काफी लेवल तक आपको iPhone XR वाली मिल जाती है। उसके साथ ही यहाँ पे एप्पल कैमरे के जो बाकी इफेक्ट होते हैं वो सारे मिलते हैं, और यहाँ पे आपको 4K वीडियो रिकॉर्डिंग मिल जाती है अप टू 60 फ्रेम पर सेकंड तक। मतलब यहाँ पे बात करें कैमरे की, तो उसकी क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहाँ पे, बिकॉज इस चिप के साथ A13 बायोनिक चिप के साथ जो डिजिटल प्रोसेसिंग होगी कैमरे की इमेजेस की वो काफी अच्छी होगी, तो आपको कैमरे की जो क्वालिटी है काफी हद तक इम्प्रोवाइज होकर मिलेगी यहाँ पे। बैक कैमरे का अपर्चर 1.8 का मिल जाता है, और यहाँ पे बात करें फ्रंट कैमरे की, तो वहाँ पे जो अपर्चर आपको 2.2 का मिल जाता है। उसके साथ ही यहाँ पे आपको फ्रंट में 7MP का कैमरा मिल जाता है, जो कि अगेन आपको बुके इफेक्ट देगा सिंगल कैमरा से। यहाँ पे कोई डेप्थ कैमरा नहीं है, कोई सेंसर नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंगल कैमरा AI प्रोसेसिंग के साथ आपको बुके इफेक्ट काफी अच्छी देगा। उसके साथ यहाँ पे फुल HD की वीडियो रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो फ्रंट कैमरे से, और जितने भी फिल्टर वगैरह सारे एप्लीकेबल होंगे इस कैमरे के साथ भी। मतलब जो कैमरा अगर हम देखें बैक का और रियर का, तो दोनों का कॉम्बिनेशन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर काफी अच्छा रहेगा। जब से यहाँ पे फेस आईडी आई, टच आईडी का नामो निशान धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था, यहाँ पे काफी ज्यादा फैन थे एप्पल के इस फोन के जहाँ पे टच आईडी को यूज करते थे वो, और वो एक मतलब उनके लिए काफी अच्छा मोमेंट था जब वो अपने फिंगर से अपने थंब से फोन को ओपन करते थे। धीरे धीरे फेस आईडी के थ्रू ये टेक्नोलॉजी गायब हो गई है, लेकिन यहाँ पे एप्पल उस चीज को दोबारा लेके आया है आईफोन SE के साथ। इसके बाद भाई यहाँ पे सारे बेसिक सेंसर आपको देखने को मिल जाते हैं इस फोन के अंदर, चाहे हो गया वो Wi-Fi 6, चाहे वो हो गया लेटेस्ट आपका Bluetooth 5.0। तो यहाँ पे वैसे Wi-Fi 6 अभी इंडिया में इतना ज्यादा आया नहीं है, राउटर वगैरह मॉडम वगैरह काफी महंगे, लेकिन जब वो आएंगे तो आप उन फीचर्स को यहाँ पे यूज कर सकते हो। बात करें यहाँ पे सेलुलर मोड की, तो वो आपको 4G तक ही मिलता है, यहाँ पे 5G आपको नहीं मिलता, लेकिन अभी टाइम है 5G को आने में और उसको एडॉप्ट करने में इंडिया को टाइम लगेगा, तो आप इस फोन को काम में ले सकते हो। यहाँ पे अगर फोन के बटन्स की, फिजिकल बटन्स की बात कर लो, तो यहाँ पे आपको साइड बटन मिल जाता है, नीचे यहाँ पे आपको बिल्ट इन माइक्रोफोन मिल जाता है, लाइटनिंग कनेक्टर मिलता है, 3.5mm का जैक यहाँ पे नहीं है, बिल्ट इन स्टीरियो स्पीकर मिल जाता है वहीं पे। फिर बात करें फ्रंट में, तो यहाँ पे आपको होम टच आईडी सेंसर मिल जाता है, उसके बाद बिल्ट इन स्पीकर जो ईयरफोन का है वो मिल जाता है, सिंगल कैमरा मिल जाता है, और बात करें अदर साइड की, तो यहाँ पे आपको वॉल्यूम रॉकर बटन और रिंग और साइलेंट जो एप्पल का है वो बटन यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके अलावा यहाँ पे और कोई कटआउट्स नहीं मिलते हैं। यहाँ पे जो बैटरी क्लेम करता है एप्पल, वो बोलता है कि यहाँ पे 13 घंटे की वीडियो 40 घंटे का ऑडियो आपका आईफोन ऐसे सपोर्ट कर सकता है, और इसके साथ यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है अगर 18 वाट का फास्ट चार्जर आपके पास है, नहीं तो फिर यहाँ पे आपको बॉक्सिंग के अंदर नॉर्मल आपको 5 वाट का नॉर्मल चार्जर मिलता है, और बाकी यहाँ पे आपको iOS 13 मिल जाता है। मतलब एप्पल में ये चीज शुरू से रही है कि वो किसी को मतलब ऐसे भेदभाव नहीं करता है, जितने भी पॉसिबिलिटी हो उसकी लाइनअप में फोन्स की वो उनको लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम देता है, तो इसके साथ iOS 13 मिलता है। जब 14 आएगा तो 14 भी आपको फुली एप्लीकेबल होगा इसमें, बिकॉज यहाँ पे A13 की बायोनिक चिप मिल जाती है, तो इसका मतलब ये है कि अगले 4-5 साल तक तो आपको iOS के बारे में सोचना नहीं है, जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगा आपका फोन उसको सपोर्ट करेगा। और बात करें रोम की, तो ये आपको 3 वेरियंट में मिलता है, 64GB, 128GB और 256GB, तो ये आप डिपेंड करता है। स्टार्टिंग प्राइस $399 है इंडिया में, अगर बात करें तो 40,000 से स्टार्ट होगा ये फोन, और मेरे ख्याल से अब तो जाएगा ये 45 तक जाएगा, फिर 50 तक जाएगा, 55 तक जाएगा मैक्स, इसके जो तीनों वेरिएंट है। फोन में आपको 3 कलर ऑप्शन मिलते हैं, ब्लैक, व्हाइट और प्रोडक्ट रेड। बात करें प्रॉपर ओवरव्यू की, तो यहाँ पे बात कुछ
ऐसी है कि पुराने डब्बे में एक नया सामान भर के दिया जा रहा है आपको। लुक एंड फील बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तो अगर आप स्पेंड करना चाहते हो, एक मिड रेंज का फोन खरीदना चाहते हो, एक बजट फोन एप्पल की तरफ से खरीदना चाहते हो, तो हाँ ये फोन एक अच्छा फोन हो सकता है। बिकॉज अगर आपको बेजललेस स्क्रीन नहीं चाहिए, मतलब फेस आईडी वगैरह नहीं चाहिए, वो जो अभी लेटेस्ट फोन में कैपेबिलिटीज होती है वो सब नहीं चाहिए उतना, तो हाँ फिर बिकॉज एप्पल के फोन काफी लेवल तक स्टेबल होते हैं। अगर आपको एक लॉन्ग टर्म फोन चाहिए तो यू कैन गो विद एप्पल, बिकॉज एक ऑपरेटिंग सिस्टम और एक सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो एप्पल में काफी अच्छा देखने को मिलता है आपको। लेकिन अगर आपको इस रेंज में कोई और फोन आ रहा है जिसमें आपको बेजललेस स्क्रीन मिल रही है और मतलब आपकी रिक्वायरमेंट कुछ ज्यादा है, तो देन यू कैन गेट इट, बिकॉज इसके अंदर जो लुक एंड फील है वो अल्टीमेटली आपको वही आएगी कि आपने आईफोन 8 या आईफोन 7 खरीदा है। तो ये थी यहाँ पे सारी बातें आईफोन ऐसे 2020 के बारे में। फोन आपको कैसा लगा एक कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर दो। इस वीडियो को यहाँ पे करते खत्म, आगे मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।